ये 100 यूनिट फ्री का, मेरे को इसमें चार्ज बता दो कि 100 यूनिट कहाँ से खत्म हुए हैं। हर इंसान गरीब भी मर रहा है, अमीर भी मर रहा है, तो ये कारण क्या है इस, मतलब ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहाँ मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। मतलब ये कारण यही है कि मतलब गरीबों को राहत मिलनी दी है गहलोत जी ने, तो वो राहत मिलनी चाहिए ना। और टाटा पावर लोगों ने जो अपनी मनमर्जी लगा दी हर चीज में, तो मतलब ये सोचना चाहिए ना कि किसी का कम दे रहे हैं, किसी के ज्यादा दे रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ है। किस तरह के बिल आ रहे हैं और कितने रुपए के बिल आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, अब मेरे 5,000 का बिल आया है। अब ये सोचो 100 यूनिट कहाँ से फ्री हुए मेरे, ना कोई एसी है, ना कुछ और हुए। इंसान पंखे में तो बैठेगा ना, तो पंखा तो आज भी कल भी चल रहा था, तो 100 यूनिट कहाँ से फ्री हुए। पहले कितने पैसे आते थे आपके? मेरे आते 3.5 का आसपास आते थे। अब 3.5 में से 100 यूनिट काटो तो उसमें से कितने बच्चे मेरे, उसका जवाब दो। ये तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये तो इस बिल को कम करो, और नहीं तो फिर ये धरना देंगे। तो गरीबों का राहत तो मिलने से रही, धरना ही देंगे फिर और क्या होगा। गहलोत जी ऐसे सुनेंगे नहीं, ना टाटा पावर वाले सुनेंगे। इससे हमारे को तो यही सुविधा मिल रही है। ये जो टाटा पावर ने इस बार बिल भेजे इस महीने के, ये 2 या 3 गुना ज़्यादा बिल भेजे इस बार। हर बार हमेशा हमारे बिल आता था कम से कम 1500 समथिंग, इस बार बिल आया 3,000 रुपये, मतलब सीधा डबल हो गया। और फ्यूल चार्ज पहले 100-150 रुपये फ्यूल चार्ज था इसका, और आज फ्यूल चार्ज आ रहा है 600-600 रुपये, 500-500 रुपये, किसी के अलग अलग फ्यूल चार्ज क्यों आ रहे हैं? किस तरह की लापरवाही बनते हैं? लापरवाही तो है, इन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी अपना मुनाफा कमाने के लिए, आम जनता को परेशान करना है। तो सरकार द्वारा यूनिट फ्री भी दिए जा रहे हैं। फ्री दिए उसका मतलब क्या रहा? इन्होंने फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, फ्री का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, सब बेवकूफ बना रहे हैं तो जनता को। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि ये बिल में कटौती करें, इनकी सारे बिल सुधरा के वापस इनको बिल दोबारा भेजे जाए। समस्या ये है कि जो कांग्रेस सरकार बोल रही है कि फ्री 100 यूनिट फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड नंबर 2 के क्षेत्र में काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, कोई फ्री यूनिट नहीं मिल रही है। जो बिल उनके पहले आता था उससे कई ज़्यादा फ्यूल चार्ज बढ़ा गया, उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार मीठी रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई राहत नहीं है। आम जनता इससे परेशान हो रही है और जनता को कांग्रेस सरकार परेशान कर रही है। क्या मानते हैं टाटा पावर भी किस तरीके से फ्यूल चार्ज वसूल रहा है? टाटा पावर फ्यूल चार्ज बहुत ज़्यादा वसूल रहा है, इससे जनता को तो कोई उसका अनुमान ही नहीं है किस क्या है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है कि सिर्फ हमें आपके 100 यूनिट कम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई 100 यूनिट कम नहीं है। बिल जो पहले आता था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा के बिल दिया जा रहा है। कितना बिल आ रहा है लगभग? मेरा कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये बिल ज़्यादा आ रहा है। पहले बिल कम आता था, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है फ्यूल चार्ज, बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार रेवड़ियाँ बांटने का कर रही है और जनता को भ्रमित कर रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और बिल जो नियमित सही आता था उस वैसा ही बिल आया जाए, फालतू आम जनता में भ्रमित ना करें।